कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चौथी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को 46 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की, जिसमें सबसे प्रमुख नाम पार्टी की यूपी इकाई के अध्यक्ष अजय राय और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का है। अजय राय को वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया तो दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश के राजगढ़ से टिकट दिया गया। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की चौथी सूची के अनुसार बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए 17वीं लोकसभा के सदस्य दानिश अली को अमरोहा से टिकट दिया गया। वो वर्तमान में इसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस सूची में यूपी से 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई, हालांकि अभी तक अमेठी और रायबरेली से किसी भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड से 2 को टिकट दिए गए। कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी के चर्चित मुस्लिम नेता इमरान मसूद को सहारनपुर से उम्मीदवार बनाया है। यूपी की बाराबंकी सीट से पूर्व सांसद पीएल पुनिया के पुत्र तनुज पुनिया को टिकट दिया गया। महाराष्ट्र के नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ विकास ठाकरे को उम्मीदवार घोषित किया गया। कांग्रेस ने तमिलनाडु में अपने सांसद मणिकम टैगोर को विरुद्धनगर, कीर्ति चिदम्बरम को शिवगंगा, ज्योति मणि को करूर और विजय वसंत को कन्याकुमारी से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 183 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। उसमें पहली सूची में 39, दूसरी सूची में 43 और तीसरी सूची में 56 उम्मीदवार घोषित किए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.